नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हर एक के घर में इस प्रकार का ब्लेंडर होता ही है और इस प्रकार की ब्लेंडर में एक दिक्कत जो है जो सर्वसामान्य हर घर में आती है। तो दोस्तों, वो दिक्कत क्या है और उसे कितने कम खर्चे में हम दूर करने वाला है वो पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये जो हैंड ब्लेंडर है इसको मैं सप्लाई के साथ जोड़ता हूँ और इसको एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ। इसे करते हैं हम ऑन। आप देख सकते हैं आगे जो ब्लेड है वो नहीं घूम पा रही है, मगर यहाँ पे मोटर का जो साउंड है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं आगे वो जो ब्लेड है वो नहीं घूम पा रही है। अब यहाँ पे ये जो दिक्कत है उसे कैसे दूर किया जाए, अब देखते हैं इस हैंड ब्लेंडर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हैं इसके आगे ये वाला जो पार्ट है जिसे ब्लेड बोला जाता है वो पूरी जाम हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो ब्लेड है उसे बाहर निकाल के एक साइड में रख देता हूँ और इसके ऊपर में ये जो पार्ट है उसे भी एक बार इस तरीके से आप घुमा के बाहर निकाल सकते हो। अब इसको मैं एक बार घुमा के निकाल के रख देता हूँ और देख सकते हैं ये शाफ्ट पूरी जाम हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन प्लायर या प्लास जिसे आप बोलते वो हो, तो इससे आप इस तरीके से धीरे धीरे करके घुमाइएगा जो शाफ्ट है उसे। तो कई बार इसमें क्या कचरा फंसा हुआ रहता है तो वो साफ हो जाएगा, तो ये आराम से घूमना शुरू कर देगी। दोस्तों, इस तरीके से आप घुमा लीजिए और उसके बाद में मैं आपको एक बार ट्रायल लेके दिखा देता हूँ ये घूमती है कि नहीं। अब इसे मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया है और ये चालू किया। ये तो हो गई दोस्तों एक छोटी सी दिक्कत की बात, मगर इसके अलावा भी एक दिक्कत होती है, वो इसके अंदर में होती है। तो चलिए इसको एक बार मैं खोलता हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको आपको यहां से खोलना होगा। तो दोनों तरफ से इसे खोल लीजिएगा। इसे खोलने के तुरंत बाद आप अंदर में देखेंगे तो इस प्रकार से मोटर का ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है। तो नीचे से आप इधर से जो शाफ्ट है इसे धीरे धीरे पुश करके जो अंदर मोटर वाला पार्ट है उसे बाहर निकाल लीजिएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो शाफ्ट है आगे यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसको यहाँ से ये वाला जो स्क्रू है उसे खोल के, दोनों तरफ से ज़्यादातर दो ही आते हैं, तो उसे खोल के आप बाहर निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं मोटर से शाफ्ट को अलग कर दिया है और ये जो शाफ्ट है उसको यहाँ से घुमाने से ये घूम रही है और ये वाला जो पार्ट है, ये कई बार ये वाला पार्ट खराब होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के आपको दिखाते हूँ। इस तरीके से आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। इस तरीके से मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है वो कई बार क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपको बाजार में 10 से 20 रुपए में, अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 20 रुपए का आएगा और थोड़ा सामान्य लेंगे तो 10 रुपए का आएगा। तो ये कई बार खराब होता है जिसकी वजह से जो मोटर का पावर है वो शाफ्ट तक नहीं पहुंच पाता। इसको मैं वापस लगा लेता हूँ। कई बार ये यहाँ से खराब हो जाता है दोस्तों। इसको मैं वापस लगा लेता हूँ अंदर में। धीरे धीरे से इसे आप वापस कस दीजिएगा, ज़्यादा जोर मत कीजिएगा वरना ये आगे से टूट जाएगा, ये रबर का आता है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये जो आप देख रहे हो होल, उसके अंदर में ये जो मोटर का आगे वाला शाफ्ट का ये हिस्सा है उसे हम लगा देंगे। धीरे से लगाना है, देख देख के, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है यहाँ पे। इसे आप जो होल है उसमें सेट कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक स्क्रू लगा देता हूँ। दूसरा वाला यहाँ लगा देते हैं, इसको सही से कस दीजिएगा, बहुत जोर से भी नहीं कसना है। आप देख सकते हैं शाफ्ट जुड़ चुकी है यहाँ पे और मैं आगे से घुमा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अंदर में मोटर के, जो शाफ्ट घूमने से मोटर भी घूम रही है, देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मोटर और शाफ्ट जो घूम रही है इसको धीरे से इसका जो आगे वाला कवर था इसके अंदर में बैठा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसे बैठाने के टाइम में आप ये वाला जो पार्ट है उसमें ये जो मोटर का ग्रूव है वो आना चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा वरना वो सही से बैठेगी नहीं। अब इसके जो टॉप का कवर है उसको भी आप होल मैच करके फिट कर दीजिएगा और जो
वहाँ पे स्क्रू लगे हुए उसको जो टेस्टर है या तो फिर आप स्क्रू ड्राइवर से सही से कस लीजिएगा। अब ऊपर वाला पार्ट तो फिट हो चुका है, अब ये जो नीचे जो शाफ्ट वाला पार्ट है उसे ये वाला पहले जो सील है पीवीसी का उसे लगा देते हैं, और इसके ऊपर में ये वाला जो पार्ट है उसे एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। दोस्तों याद रखिएगा, फिट करने के लिए इस तरीके से इसे हम घुमा के फिट कर देते हैं। इसे भी हम वापस कनेक्ट कर लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं इसके सप्लाई के साथ जोड़ के देखते हैं ये। अब देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।